कहानी का नाम है दिल तुम और दास्तान। कहानियां कुछ इस तरह जोड़ती है हमको कि मान लो जैसे वो हमारी ही कहानी हो। फिर असलियत का हाथ आके एक हल्का सा थक पड़े जो थकी सा लगता है हमें लगाता है और कहता है कि कहानी ये वही है बस तुझे अपनी सी लग रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक काफिर से, एक उलझा उलझा सा लड़का जो हर काम बिना सोचे कर देता था, फिर उस बातों पर थोड़ा पछताता भी था। काफिर बिल्कुल एक तूफान सा था जिसका शांत होना तो दूर पर वो अपने रास्ते में आने वाले रिश्तों को भी कुछ तोड़ता देता था। पर कहते हैं ना हर कहानी का एक शांत छोर होता है, ये छोर बिल्कुल अलग सा होता है। इस कहानी का शांत छोर है आशियाना, जिसे आशी भी कहा जा सकता है। आशी एक शांत पर चंचल सी लड़की जो बातों की बिल्कुल कीमत नहीं करती थी क्योंकि वो अपनी सारी बातें आंखों से बयां कर देती थी। कहानी शुरू होती है इनके मिलने से शाम के वक्त में एक थके हुए कॉलेज के दिन के बाद उस पेड़ के चबूतरे पर जिसे हम सब बोट क्लब भी कहते हैं। काफिर की आशी से पहली मुलाकात कुछ उलझी सी थी। काफिर उसे एक टक देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इससे कैसे बातें करूं। आशी जो अपने ख्यालों में घूम सुन सकी। काफिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम काफिर है और मैंने आपको कहीं तो देखा है। आशी बड़ी सभ्यता से जवाब देती है, कहती है मेरा नाम आशियाना है। और वो कहती है कि ये सवाल तुम पिछले 4 दिनों में तीसरी बार पूछ रहे हो, अब चलो मेरे पीछे मेरा नाम दोहराओ ताकि तुम ये नाम कहीं भूल ना जाओ। काफिर कहता है आशियाना आशियाना। आशी ही कहा करो मुझे कुछ अल्फाजों को खास लम्हों के लिए बचा के रखो। काफिर अक्सर कई बेचने बहानों से आशी से मिला करता था। कभी वो रीडिंग हॉल में बैठकर उसके प्रोजेक्ट सॉल्व करना या कभी कभी उसके असाइनमेंट्स में उसकी मदद करना उसका मन पसंदीदा बहाना था। वक्त ने मानो जैसे अपनी चाल और रंग दोनों बदले। अब शुरुआत जैसे इन्हें मिलने के लिए बहानों की नहीं पर ना मिलने के लिए बहानों की जरूरत पड़ने लगी। उनका बेवक्त रास्ता मानो जैसे मुसलसल सा हो गया था। दिन का जैसे कोई ख्याल नहीं था, सुबह शाम में कब बदल जाए ना काफिर को पता चलता था ना आशी को। आशी के तरफ से दोस्ती ना जाने कब काफिर के तरफ से प्यार में बदल गई, उसे इस बात का पता ही ना चला और वो इस एक तरफा मोहब्बत के साथ जीने लगा। काफिर आशी को सब बताना चाहता था पर उसे इस बात का डर था कि कहीं कुछ बदल न जाए। नहीं, उसे डर इस बात का नहीं था कि उसका आशियाना उसे दूर चला जाएगा। काफिर को ये बात पता थी कि उसने आशियाना में घर कर लिया है। डर तो उसे इस बात का था कि जिस प्यार के बारे में वो आज सोच रहा है पर वो खत्म ना हो जाए और फिर आशी के जिंदगी में ऐसा पल रहा है कि जब उसे काफिर की जरूरत हो और वो उसके साथ ना हो। इसी तरह अगर तुम्हें कभी तुम्हारा सुकून का जरिया मिले तो तुम क्या करोगे? उसके किनारे पर खड़े होके यूं ही तकते रहोगे या उसमें डूब के अपना समंदर ढूंढोगे? क्योंकि दरिया लाख सूख जाए समंदर नहीं सूखते हैं, पर समंदर में जाके कुछ रिश्ते दूर हो सकते हैं। बोलो ना क्या करोगे?